लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक, हमने क्या डिस्कस किया था? क्या डिस्कस बन गए अकाउंट तो जिस जिसके अकाउंट बने वो एक दूसरे को कनेक्ट करें, ठीक है, मुझे भी कनेक्ट करें, आप लोग आपस में भी कनेक्ट हो, ठीक है, तो इससे आप लोगों की विजिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। जिस जिस जगह पे बन गए, जैसे रिसर्च गेट है, ऑर्चिड है और गूगल स्कॉलर है, ये सब कनेक्ट होते हैं, ऐड ऑथर्स, ऐड कंट्रीब्यूटर्स के ऑप्शंस आ रहे होते हैं, आप उसमें ऐड कर लें एक दूसरे को, ठीक है। इसके अलावा जो हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने डेटाबेसिस देखी थी, कौन कौन सी डेटाबेस है, उस पर कैसे सर्च करना है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, जर्नल स्कोर्स क्या होते हैं, साइटेशंस क्या होती हैं, ठीक है, SCI इंडेक्स कौन सा है, ESCI इंडेक्स कौन सा है, ठीक है, और रिव्यूटर्स की जो रैंकिंग है, वो सारी चीज़ें देखी थी, HEC के WXY कैटेगरी जर्नल्स कौन से हैं, किस तरह वो रैंक करता है, ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली रैंकिंग एंड डाटा बेसिस ऑफ जर्नल्स देखे थे। आज कुछ हम टिप्स देखेंगे, ठीक है, स्टेफन सी स्टर्न्स ने दिए टिप्स व्हेन आई वाज इन साउथ कोरिया, तो उसमें एक कोर्स था इसी तरह का, रिसर्च पेपर राइटिंग एंड रिसर्च मेथडोलॉजीज का, तो उसमें ही उन्होंने ये टिप्स दी थी हमें। ये जो स्टीफन सी स्टर्न्स है, ये येल यूनिवर्सिटी के होते हैं, बेसिकली येल आई थिंक यूएस की यूनिवर्सिटी है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, इकोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एड्रेस जो है वो 2012 का है, तो आई डोंट नो कि अभी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो अब जैसे आप लोग अपना रिसर्च प्रपोजल की तरफ जा रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल का एक टैंपलेट आप लोगों को लास्ट वीक मिल गया था, अब आप लोगों ने उससे अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है, 10-10 जनरल पेपर्स अपने डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक है। तो ऑफिशियली आज वो मैं आप लोगों को स्लाइड दिखा दूंगा जिसपे लिखा होगा कि आपको नेक्स्ट वीक असाइनमेंट जमा कराना है, ठीक है। तो पहले दिन से प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, 3-4 क्लासेस के बाद अब बच्चा इतना प्रिपेयर हो गया होगा कि वो मेंटली तौर पे तैयार है कि अगले भी प्रेजेंटेशन दे दे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है रिसर्च की बात हो रही है, रिसर्च के लिए देखिए हमेशा अपने आप को ना वर्ष के लिए तैयार रखें। आपने कहा कि मैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाऊंगी, मैंने ANN यूज करना है या DNN यूज करना है, अगर DNN एल्गोरिथम जो आपने डिजाइन किया वो नहीं चला, ये एक्यूरेसी यू आर टारगेटिंग कि एक्स रिसर्च ने जो रिसर्चर है 95% एक्यूरेसी अचीव करी हुई है, व्हाट हैपेंड इफ योर एक्यूरेसी इज लेस देन 95%, आपकी एक्यूरेसी 95% है, देन द आउटपुट ऑफ योर रिसर्च इज नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट नॉवल, क्योंकि रिसर्च हम क्या कहते हैं कि नॉवल होना चाहिए, आइदर यू आर इनहेंसिंग द प्रीवियसली रिपोर्टेड एक्यूरेसी, ठीक है, या मैकेनिज्म इनहेंस करें, या टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस करें, या ऑप्टिमाइज करें, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन होना चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ नहीं हो, आपने एक्यूरेसी को टारगेट किया था, आपने कहा 95% एक्यूरेसी ऑलरेडी आई है इसकी, बड़ा आसान सा मेथड लग रहा है, मैं इसी को टारगेट करता हूँ या करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा 2 लेयर और ऐड कर दूंगी या 2 पैरामीटर और ऐड कर दूंगा, तो एक्यूरेसी जो है मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक्यूरेसी इज गोइंग टू बी 98%, और अगर नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, ठीक है, ऑल्टरनेट पे जाएंगे या आप उसमें कोई गियर चेंज करेंगे, टेक्निक चेंज करेंगे, तो हमेशा जो है ना वर्स्ट के लिए प्रिपेयर है, दिस इज द फर्स्ट एडवाइस फॉर रिसर्चर, ठीक है, अपने हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर, अगर ये नहीं चल रही देन यू मस्ट हैव अ बी प्लान, बैकअप प्लान, ऑल्टरनेट आपने प्लान किया हो। साइनिकल कहते हैं कि आप कॉशियस हो और जो है ना आप बहुत ज्यादा
क्रिटिसाइज तौर पे देख रहे हो, किसी पर ट्रस्ट ना करें, अपने वर्किंग यानी अपने मेथड पे ट्रस्ट ना हो कि 100% चलेगा, क्योंकि रिसर्च में आउटकम इज अननोन। अगर जैसे हमने लास्ट वीक भी बात कही थी, अगर इफ आउटकम इज वेरी वेल नोन तो इट्स अ प्रोजेक्ट नॉट अ रिसर्च, ठीक है? क्योंकि आपका आउटकम पता है कि मैंने चेयर बनानी है, इस मटेरियल की बनानी है, स्ट्रेंथ की बनानी है, डिजाइन होना चाहिए, एवरीथिंग इज नोन। व्हाट इज अननोन? अननोन नहीं है तो रिसर्च नहीं है। ये आपके पास आउटकम पहले से बना हुआ था, आपने उसी को एक रेप्लीकेट किया है, इट्स अ प्रोजेक्ट कि भाई इसको रीअसेंबल कर लो, रीमॉडल कर लो, रीमैन्युफैक्चर कर लो, ठीक है? सेकेंड एडवाइस इज नोबडी केयर्स अबाउट यू, ठीक है? तो हमने पहले सेमेस्टर में बहुत केयर कर ली, तो ये सेकेंड सेमेस्टर का है कि नोबडी इज गोइंग टू केयर अबाउट यू, ठीक है? तो क्यों? द डिग्री यू गेट इज योर योर डिग्री, सुपरवाइजर की डिग्री नहीं है, आपकी डिग्री है। यू शुड बी कंसर्न अबाउट इट, यू शुड वर्क हार्ड फॉर इट, यू शुड प्लान फॉर इट, ठीक है? एक्टिव होना चाहिए, क्लास में एक्टिव होंगे, क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे मैं पिछले सेमेस्टर भी बार बार कहा कि मास्टर्स वाले जितने सारे, वो अगर फजी को सिर्फ अच्छे से पढ़ ले, उनका मास्टर थीसिस हो गया, ठीक है? फजी आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, उसको सिमुलेशन ही मैंने कराई, इट्स नथिंग, ठीक है? जस्ट एक बंच ऑफ क्लिक्स करते ना आप, फजी का मॉडल हो जाएगा, फाइल आ जाएगी, सिम्यूलिंक में आपने इनपुट आउटपुट सब चीजें मॉडल करके भी देख ली, ठीक है? अगर आप इतना कर सकते हैं तो आपका मास्टर थीसिस हो जाएगा। लेकिन आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्लास में नहीं आए, आप एक्टिव नहीं हुए, क्वेश्चंस नहीं किए, आपने खुद लिटरेचर सर्च नहीं किया, आपने खुद अपनी आइडेंटिफाई नहीं की गैप्स को, तो नोबडी इज गोइंग टू केयर अबाउट यू, ठीक है? इसको फिर याद रखिएगा। जो भी अब हमने लास्ट वीक ये भी डिस्कस किया था कि आपने ही सर्च कर रहे हैं अपना बड़े एरिया को आहिस्ता आहिस्ता थोड़े, मैंने कहा मैं मशीन लर्निंग करूंगा। मशीन लर्निंग जो है वो एक लर्निंग मैकेनिज्म है, वो आप मोबाइल के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कार के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट पे भी कर सकते हैं, मशीन्स पे भी कर सकते हैं, इक्विपमेंट पे भी कर सकते हैं, मल्टीपल जगह कर सकते हैं, कैमरे के ऊपर कर सकते हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर गोल, ठीक है? आपने अपने गोल को आइडेंटिफाई करना है और फिर आपने अपने आप से सवाल करना है कि व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसा तो नहीं है सर ने कहा कि भाई एक पेपर डाउनलोड करके ले आओ, मैं लगाऊं 4 घंटे तक मुझे एक पेपर सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो आई एम लूजिंग माई टाइम, ठीक है? और मैं 4 घंटे तक लगा रहूंगा, मैं कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, यू कर रहा हूँ, कोई मैं आ ही नहीं पा रहा है कंक्लूजन पे, तो मैं टाइम भी लूज कर रहा हूँ, इंटरेस्ट भी लॉस कर रहा हूँ। और फिर मैं साथ में क्या होगा कि मैं फेडअप हो जाऊंगा, बोलूंगा भाई बेकार असाइनमेंट कर ही नहीं रहा। और टास्क क्या था? टास्क बहुत सिंपल के गो डाउनलोड वन पेपर एंड कम बैक टू वन, ठीक है? तो आप बिला वजह के लूप में नहीं जाएं, आप अपने आपको पूछे क्या कर रहा हूँ, आई एम ऑन ट्रैक और नॉट, ठीक है? ट्रैक पर रहना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये जब भी रिसर्च होती है, रिसर्च में आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, ठीक है? बी इंडिपेंडेंट, ठीक है? रिसर्च टॉपिक गिवन फ्रॉम अदर आर नॉट योर्स। अक्सर जो है वो स्टूडेंट आके पूछते हैं सर आप बताएं क्या करना है, ठीक है? सर को जो है ना वो जहाज पसंद है, आपकी फील्ड जो है ना वो सिग्नल प्रोसेसिंग की है, तो सर तो बोलेंगे मेरे जो जहाज ही उड़ रहा है, इसमें से कोई ऐसा सिग्नल प्रोसेसिंग करो कि ये स्टेल्थ हो जाए, लोगों को नजर ना आए। तो उसमें पता चला कि आपने साउंड वेव जो रेडार होता है उसके सिग्नल को एब्जॉर्व करना है ताकि वो रिफ्लेक्ट ना हो, तो ये पूरी प्योर जो है मटेरियल की फील्ड हो गई। और आप जो है वो आपने कभी मटेरियल पढ़ा नहीं, मैकेनिक्स पढ़ी नहीं, तो आप कैसे करेंगे? तो ये तो टॉपिक उनका था, उनका इंटरेस्ट था, उनका बैकग्राउंड था, आपका तो नहीं था। तो आपने अपने इंटरेस्ट पे अपने बैकग्राउंड पे करना है। पता चला सर जो है ना वो फजी और न्यूरल नेटवर्क पढ़ाते हैं, और मुझे प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती, मुझे सिमुलेशन भी नहीं करनी बस, लेकिन इन सर के साथ मुझे पीएचडी करनी है। क्यों भाई? इनका तो प्रोग्रामिंग बड़ी अच्छी है, ये पेपर जल्दी जल्दी पब्लिश कर देते। तो भाई सर तो आपकी रिसर्च नहीं करेंगे, रिसर्च तो आपने खुद करनी है अपनी। हाँ सर एडवाइस जरूर करेंगे, ठीक है? अच्छा दूसरा ये कि
इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, जो आपने ब्लेम को लिमिट कर देते, जैसे हमने पिछले सेमेस्टर में खास तौर से देखा, आपने कहा कि भाई ये तो मैथ्स है, ये तो साइंसेज वाले पढ़ ही नहीं सकते। आके वो मैथ्स जो है ना, 2+2 वाली मैथ्स थी, वो वाली मैथ्स आपने पढ़ी भी होगी मैट्रिक में, 9 में, वो इतनी कोई एडवांस मैथ्स नहीं थी जो हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपको जो है ना, ये मैं वैसे भेज चुका हूँ ग्रुप पे ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों के पास, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत से लोग इधर फंस जाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये मेरा थीसिस तो हो रहा है लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा कर लूँ, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लूँ, थोड़ा सा और अच्छा कर लूँ, ठीक है। रिसर्च इज नेवर एंडिंग। जब iPhone 4 आया, लोग तो उसके दीवाने हो गए ना कि भैया क्या मॉडल दिया इन्होंने, फ्लैट कर दिया, खड़ा भी हो सकता है, फिर उस पर एप्स भी बन गई, उसकी वाइब्रेशन को कंट्रोल करके वो कैमरे की ऐप बनी थी कि वाइब्रेशन आप उसे खड़ा कर दें और पैनारामिक वो खुद ही ले लेगा घूम घूम के वाइब्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो एक इसके बाद का मॉडल क्या होगा, iPhone 4S आ गया, 4S के बाद 5 आ गया, 5S आ गया, 6, 7, 10, 14, 15 Max Pro आ गया। तो लिमिट नहीं है रिसर्च की, अगर वो उसी को परफेक्ट करता रहे, वो अगर किसी का PhD थीसिस होता है, वो 1 साल 4 निकालता, 4S निकालता, 15 साल से PhD में ही लगा रहता कि भाई अभी और परफेक्शन कर लूँ। तो वंस यू हैव अ गुड थीसिस, गो अहेड, ठीक है, पब्लिश योर रिजल्ट, टेक योर डिग्री, उसके बाद आप परफेक्शनिस्ट की तरफ जाते हैं ना जितना जाना है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या बाहर भी बहुत से मुल्कों में होता है कि वो कहते हैं कि नहीं इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लूँ, कुछ होते हैं हर जगह, हर लेबोरेटरीज में होते हैं, कहते नहीं रिजल्ट अच्छे नहीं आए, थोड़े से जो है ना रिजल्ट को मैं और एक दफा और एक्सपेरिमेंट कर लूँ, इसके अंदर ये पैरामीटर ऐड कर लूँ, ये माइनस कर लूँ, तो इस तरह चलते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें एक और भी बताया गया कि साउथ कोरिया के अंदर ना, जो यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं होता, साउथ कोरिया के अंदर जापान में 2006-07 में जापान में सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा था, ठीक है, और उसके बाद साउथ कोरिया में 2010-11 में साउथ कोरिया वाज रिपोर्टेड कि वहां पे सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर आप, मेरे जो प्रोफेसर था रोबोटिक्स का था, मैं रोबोटिक्स में कर रहा था, तो उस वक्त जब हमने स्टैटिकल एनालिसिस करी थी, तो US वाज द फाइनल इन 2005-06 इन रोबोटिक्स, देन जापान हुआ था 2009-10 में, और 11-12 वाज द ईयर फॉर साउथ कोरिया जो रोबोटिक्स में बहुत आगे हो गए थे, ठीक है। फिर आजकल चाइना बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा है रोबोटिक्स में। तो जहाँ पे इस तरह की बात होती है ना, जो परफेक्शनिस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई अपने क्विट नहीं करना, हम जो है ना इसको और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे, और कंपैरिजन होता है, मटेरियलिज्म होती है, तो वहां पे ये होता है कि वो क्विट नहीं करता बल्कि तो उससे और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, उसी लूप में फंसा रहता है। जब उसी लूप में फंसा रहता है, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं, और फिर ये सुसाइडिकल रेट इसी वजह से ज्यादा है, बल्कि सुसाइड से ज्यादा इसको एक बीमारी भी कहते हैं कि इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि ही और शी जो है ना वो बस उस स्ट्रेस की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। तो आप इसलिए ये चीज वहां पे ज्यादा थी कि अगर इफ यू थिंक कि आप जो है ना नहीं कर पा रहे या उससे अचीव नहीं कर पा रहे, जस्ट क्विट एंड डू ऑल्टरनेट थिंग्स, ठीक है। इसका ये भी कह सकते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट करें, आपने कहा नहीं मैं मशीन लर्निंग करूंगी, मैं CNN करूंगी, CNN से रिजल्ट नहीं आ रहे, तो क्विट दिस एल्गोरिथम, गो फॉर द नेक्स्ट वन, ठीक है। हो सकता है RNN से आ जाए, हो सकता है न्यूरल नेटवर्क से आई नहीं, आप डिसीजन ट्री के मेथड यूज कर लें, ऑल्टरनेट ऑप्शंस होनी चाहिए, उसको ट्राई करने में कोई मुजायका नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है कि आप जो है ना गलत करें, लेकिन वॉट एवर यू आर डूइंग यू शुड नो कि उसका कोई साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। जैसे हमारे पास दर्शन होता है, फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया कि हमें ये प्रोजेक्ट करना है, तो फिर हमें कहा जाता है कि आपने मतलब ये मेथड कहा था, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैंने फजी से करना है और मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं मेथड की तरफ मूव कर जाती हूँ, तो हमें उस वक्त तो लिमिट कर दिया जाता है कि आपने टॉपिक दे दिया था, आप मूव नहीं कर सकते, तो मास्टर्स में भी इस तरह से कुछ होता है क्या? FYP, देखिए FYP में जो है, और FYP इज ए प्रोजेक्ट ना, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसमें आउटकम शुड बी नोन, ठीक है। MS थीसिस जो है वो रिसर्च बेस्ड है, अगर प्योरली MS थीसिस में क्या होता है, आप
प्योर रिसर्च बेस्ड नहीं काम नहीं करते, आप ये करते हैं कि कोई थोड़ी बहुत एडवांसमेंट कर ली तो आपको बेसिक मॉडल पता होता है सारा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जो ये वाली चेयर है ठीक है, इसका जो हाइड्रोलिक है मैनुअल है, मैं इसे ऑटोमेट करूंगा ठीक है। ऑटोमेट में आपने जब आपने प्रपोजल दिया, आपने कहा ऑटोमेशन के तीन चार तरीके हो सकते हैं, हाइड्रोलिक हो सकता है, न्यूमेटिक हो सकता है या मोटर बेस्ड होता है हो सकता है ठीक है। मोटर में आपने कहा दो टेक्निक हो सकती है, लीनियर मोटर हो सकती है, रोटेटरी मोटर हो सकती है ठीक है। आपने ये चार टेक्निक्स बता दी। अब आपने इसका जब प्रपोजल देते हैं आप इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, भाई इसकी कॉस्ट इतनी है, इसकी कॉस्ट इतनी है, इसकी कॉस्ट इतनी है, इसकी कॉस्ट इतनी है, इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है, इसके पावर फैक्टर ये है, इसकी चीज़ें ये हैं, सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं और फिर उसमें से बेस्ट को चूज करते हैं ठीक है। आपने बेस्ट चूज कर लिया अब, और आप 6 महीने बाद आके एकदम से कहती हैं भाई कि भाई मोटर तो चल नहीं रही थी, वो बार बार गर्म हो जा रही थी तो मैंने हाइड्रोलिक सिस्टम लगा दिया, बना बनाया मिला था मुझे फलां जगह से, इसका ऑन ऑफ ये देखे यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे कमेटी सरप्राइज हो जाती है, ये क्या हो गया, काम तो आपको कुछ दिया था, करके आप कुछ ला रहे, तो क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। यू डिडंट रिपोर्ट के व्हाट वर द फेलियर्स, व्हाट वर द साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड द चेंज, डिड यू टेक एनी कंसर्न फ्रॉम योर सुपरवाइजर और द कमेटी, जीरो, नो आंसर आता है इसका, और फिर आप कुछ और ही प्रपोज करके ले आते हैं ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं कि जो आपको दिया गया था, जो अप्रूवल हुआ था वो लेके आए, लेकिन जब आपका नहीं चल रहा, आपका यू हैव टू रिपोर्ट योर सुपरवाइजर ठीक है। तो हर 6 महीने पे आपकी जीसी मीटिंग होती है, ग्रेजुएट इवेल्युएशन कमेटी की मीटिंग होती है, आप उसमें रिपोर्ट करें ये मुझे प्रॉब्लम्स आनी है, इस डायरेक्शन में काम करें, मैंने इस एक्सपर्ट से बात करी है, देर इज नो सोल्यूशन बट एन ऑल्टरनेटिव फॉर दिस मैथड एंड आई एम गोइंग फॉर दैट मैथड ठीक है। वंस यू रिपोर्टेड इट, अपनी प्रेजेंटेशन ही बताएं, अपनी थीसिस में भी इसको रिपोर्ट करें और उसको ट्राई करें, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन ये जो आपने कहा कुछ था और जब आया सामने कुछ हुआ तो फिर उसे प्रॉब्लम आती है। देखिए मास्टर्स में अगर आपका स्लाइड जो इम्प्रूवमेंट है वो एक्सेप्टेड है ठीक है, आपने कोई एग्जिस्टिंग मॉडल को स्लाइड इम्प्रूव कर दिया, एक्सेप्टेड है। हमने जो मास्टर्स का आउटकम रखा हुआ है थीसिस का, कि अगर आपने एक वाई कैटेगरी का जर्नल पब्लिश कर दिया अपने मास्टर थीसिस के ऊपर तो इज एक्सेप्टेड। और आजकल मैंने शायद लास्ट ईयर भी बताया था आप लोगों को कि हमारे जो FYP के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वाई कैटेगरी में पब्लिश हो गए, FYP के जो अंडर ग्रेड के वो वाई कैटेगरी में ईजिली पब्लिश हो जाते हैं। सब कुछ करवा सकते हैं, लेकिन देखिए हम यहाँ पे सीख क्या रहे हैं कि रिसर्च पेपर में क्या करना है। देखिए पहले अभी तो हम डाटा गैदर कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि रिसर्च पेपर होता क्या है, उसमें इम्पैक्ट क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, जर्नल किसे कहते हैं, आर्टिकल किसे कहते हैं, उस और रिसर्च के लिए क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च पेपर कितने टाइप्स के हैं और उसमें कौन कौन से सेक्शंस होते हैं तो अपनी रिपोर्ट को उस तरह से आप फॉर्मेटिंग करें और जमा करा दें, कोई इशू नहीं है FYP का ठीक है। अच्छा ये जो आप लोगों के लिए उस वक्त तक नहीं है जब तक आप लोगों को उस पर कंप्लीट नहीं होता ठीक है। ये कह रहे हैं अवॉइड टेकिंग लेक्चर्स, दे आर यूजुअली इनएफिशिएंट। ये उन लेक्चर्स की बात करें जो आप ऑनलाइन लेते हैं, कि मैंने कहा भाई मुझे ANN करना है तो ANN की कोर्स देख रहे हैं पूरा 6 महीने बैठ के, मैं ऐसे ANN के कोर्स देख रहा हूँ। नहीं, आप पहले सिलेक्ट करिए ANN में किधर जाना है, पता चला उसने ANN में आपको जो है ना जनरल मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पढ़ा दिया, जबकि आपका टारगेट था डीप लर्निंग का। अब 6 महीने बाद आपको पता चला इसने तो डीप लर्निंग कवर ही नहीं करी, 6 महीने आपके जाए हो गए। बजाय इसके बजाय आप डीप लर्निंग की बुक उठा के स्टडी स्टार्ट करें और अपने पीयर्स के साथ डिस्कशन करें और देखें कि इस टॉपिक्स पे कितने जर्नल पब्लिश हो चुके हैं, उन जर्नल्स को रीड आउट करें, उन्होंने किस सा मैथडोलॉजी को डिप्लॉय किया ठीक है। अमूमन बुक में और कोर्स के जो लेक्चर्स में थ्योरीज पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव नहीं होता है सच ठीक है। लेकिन हमने पिछले एक सेमेस्टर में कोशिश करी थी कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा टच दें, क्योंकि थीसिस में मास्टर्स में पोस्ट ग्रेजुएट में होना चाहिए, क्योंकि आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते ठीक है। और उसमें ऐसा भी होता है कि आप शुरू में बड़े मोटिवेटेड थे
आपने कहा कि भाई मैं जो ना डीप लर्निंग ही करनी है, कोर्स स्टार्ट कर दिया, पता चला महीना लंबा हो गया, वो जो आपकी डिजायर रिक्वायरमेंट थी वो उस कोर्स में रीच नहीं हुई, तो आपकी मोटिवेशन वगैरह कहीं पे बीच में लॉस हो जाएगी, तो आप फिर हो सकता है रिसर्च से भी जाए। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात कही भी है। अच्छा जी मैडम, काम आपके बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपका जो एडवाइजर है वो आपको मैनेज नहीं करेगा, आपने उनको मैनेज करना है। किस कि अपनी प्रेजेंस को जो है ना वो नोटिस कराना है। आप, मैंने जैसे पूछा कि भाई आप पेपर पढ़ के आए, अभी किसी ने भी जो है ना मेरे ख्याल से यस नहीं कहा होगा, अभी हो गया प्रेजेंटेशन रो है तो यू शुड बी रेडी, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने जो है ना कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपके अपडेट करते रहना है अपने सुपरवाइजर को, लेकिन इतना भी नहीं कि नहीं, एक एक घंटा जो है ना सुपरवाइजर के पास पी गए और वो जो है ना तंग आ गया आपसे, उसने कहा भाई आइंदा जब ये आए ना तो दरवाजे ही लॉक कर लो, ठीक है। तो ऐसा ना, तो आपने जो है ना उसको, क्योंकि सुपरवाइजर के पास होता है 6 स्टूडेंट हो, उसने आप जाए अपनी प्रॉब्लम बताने से पहले बताए कि मैं ये काम कर रहा हूं और मैंने इस तरह किया तो मुझे ये प्रॉब्लम आई, क्योंकि हाँ। और आगे आ रहा है कि आपने जो है ना प्रपोजल वगैरह जो भी देना है वो इन रिटर्न फॉर्म देना है, वर्बल डिस्कशन कुछ नहीं होता, ठीक है। रिटर्न में लेके जाए उसे बताएं कि भाई ये चीज है, ये मसला है, इस तरीके से किया था, ये प्रॉब्लम आई है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये नहीं आया, तो फिर वहां पर एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि यू डोंट नो कि वो किस फेस में बैठा हुआ अभी, क्योंकि वो एडमिन लोड भी उसके ऊपर है, फैकल्टी को भी वो हैंडल कर रहा है और दूसरे अंडरग्रेड कोर्स पढ़ा रहा है। आप गए, आपने कहा भाई ये प्रॉब्लम आई है, वो एकदम से पजल हो गया, ये है कौन भाई, पहले तो ये बताए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे तो नहीं होता कि यहाँ पे कम स्टूडेंट होते, लेकिन बाहर जैसे मैं साउथ कोरिया में था, तो साउथ कोरिया में मेरी लैब में तकरीबन 45 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो उसने वो क्या किया हुआ था, पांच पांच की टीम्स बनाई हुई थी और हर टीम का एक टीम लीड था और वो पांच पांच एक ग्रुप में प्रेजेंट यानी प्रेजेंटेशन ले लेता था। वो टेम्पलेट में आप लोगों को दूंगा, अगर कोई मुझे सुपरवाइजर लेता है गलती से तो किस्सा आपने करना है। तो उसमें हमें जो है ना हर वीक में अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती थी और पहली स्लाइड ही उसकी थी कि हमारी तस्वीर लगी होती थी, हमारा नाम लिखा होता था ताकि वह पहचान सके भाई हाँ ये बंदा है और ये बैकग्राउंड है इसका, ठीक है। फिर उसमें अगला टेम्पलेट था कि टाइमलाइन क्या चल रही है, टास्क एंड टाइमलाइंस, जो गैंट चार्ट आप कहते हैं, उसमें तीन नीचे कॉलम थे, लास्ट वीक, दिस वीक और नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो पिछले हफ्ते इसने ये काम किया था, इस हफ्ते ये काम कर गया है और अगले हफ्ते ये काम करेगा। फिर उसके बाद तीन चार स्लाइड्स होती थी कि हमने इस हफ्ते ये किया, ये एक्सपेरिमेंट्स किए, यूं किए, यूं किए। तो ये बड़ा ऑर्गेनाइज वे में था, ठीक है। और जितना बेहतर ऑर्गेनाइज होगा ना उतने अच्छे आउटकम आते हैं, ठीक। मैंने पीएचडी करी टर्की से, टर्की वाला सुपरवाइजर भी, उसकी लैब में भी तकरीबन 25 लोग थे, वो भी बहुत ऑर्गेनाइज था, लेकिन वो इतने अच्छे से टीम को मैनेज नहीं कर पाता था जितना साउथ कोरिया वाले ने किया था, ठीक है। लिटरली मुझे प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती थी जब मैं अंडरग्रेड से करके गया था, और वहां पे जो कोरियंस की प्रेजेंटेशन स्किल से आउट क्लास थे, ठीक है। तो मुझे तो 3-4 महीने लगे कि प्रेजेंटेशन बनाते कैसे हैं और उसको किसान अट्रैक्टिव के ऑडियंस का जो वो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक ना हो, ठीक है। वी विल डिस्कस दिस इन दिस कोर्स एज वेल कि प्रेजेंटेशन में क्या क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा, ये अब आपने सुपरवाइजर के लिए अब आपके पास आता है कि नाउ यू हैव टू राइट अ प्रपोजल, ठीक है। प्रपोजल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी थिंकिंग डेवलप हुई भी हो, और थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, रिसर्च वगैरह पढ़ने से, ठीक है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप टेक टॉक्स देखें, ठीक है, टेक्नोलॉजी टॉक्स जो होती है अपनी फील्ड से रिलेटेड। अभी एक अंडर ग्रेड स्टूडेंट सो ही बता था किसी को, मोबाइल पे ऐसे ही जो न्यूज आई थी गूगल की, उसमें मेरे पास आई CES 2024, जो टेक्नोलॉजी मोबाइल टेक्नोलॉजीज की एक वर्क हर साल होती है कॉन्फ्रेंस,
वही थी, अभी सबके पास हो सकता है, काफी के पास आई हो। तो उसको मैं ऐसे एक्सप्लोर करता था क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजी से इंटरेस्ट है। तो उसमें एक बीमो डिवाइस आई, बीम ओ, बीम BEM, बीम और आखिर में ओ कैपिटल। तो बीमो डिवाइस आई, वो मैंने देखा ये क्या चीज है, पता चला वो थी बायोमेडिकल की डिवाइस एप्लीकेशन। उस वो 1 Pro BCG ले रही थी, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर उसके अंदर था, माइक लगा हुआ था हार्ट बीट के लिए, मतलब से लंग साउंड के लिए था, हार्ट बीट के लिए था, और वो कनेक्ट इज गोइंग टू कनेक्ट विद योर मोबाइल फोन, और एक्सपेक्टेड प्राइस इज 250 US डॉलर। और वो क्या करते थे, आपने माथे पे रखा या कहीं पे प्लेस करते थे, वो सारे डाटा जो मोबाइल में ट्रांसफर करके क्लाउड बेस्ड एनालिसिस हुई थी सब चीजों, ठीक है। और इसको इनोवेशन टेक 2024 का अवार्ड मिला। इट्स अ सिंपल डिवाइस, यू कैन बिल्ड इट हियर, ठीक है। सिंपल क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है, 4 पैरामीटर है, जो आप बायोमेडिकल इंजीनियर बोलेगा ये किट्स हैं नथिंग, ठीक है, ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट हो सकता है। मोबाइल पे ऐप आएगी, वो एनालाइज कर देगा, ए आई बेस की थोड़ा उन्होंने एल्गोरिथम डाल दिया था, और टेक 24, इनोवेशन टेक 24 समथिंग का अवार्ड उसे मिला आपके कॉन्फ्रेंस में। और अभी लॉन्च भी नहीं, एक्सपेक्टेड प्राइस है इट्स 2250 US डॉलर। तो जब आप रीड करेंगे तो आपके पास पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। मोबाइल तो आप किसी के पास है, अब मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, दो चार जो है ना मैंने वो लगा लिए, इस तरह के टेक टॉक्स वगैरह लगा लिए, तो उससे मुझे पता चलता है क्या हो रहा है फील्ड में, और उसी से रिलेटेड रिसर्च पेपर देखूँ, उसी में थ्योरी पढ़ूँ, और उसी का कुछ मैं प्रपोज कर दूँ, तो मेरा आराम से थीसिस और रिसर्च हो सकती है, ठीक है। सॉरी, इसमें ये वाली बात की आपके पास जो जहन में है ना वो बताना बहुत मुश्किल काम है। आप क्योंकि बंदे के जहन में जो होता है ना, वो बंदा बोलता है कि मैं आधी बात करूं या तेजी से बोल दूं, आगे आगे की समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके जहन में उसका सारा बैकग्राउंड होता है। लेकिन अगर आप उसी को पेपर पे लिखेंगे और सामने वाले अपने दोस्तों बने से पढ़ के बताओ तुम्हें क्या समझ में आया, बोलेगा आधी बात तो लिखी भी नहीं है इसमें, ठीक है। तुमने फॉर एग्जाम्पल CNN बोल दिया, CNN क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, मैंने कभी सुना ही नहीं, तो देन यू रियलाइज कि CNN तो मुझे पता है कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, लेकिन मैं सामने वाले को कैसे एक्सप्लेन कर दूं CNN क्या होता है, तो आई हैव टू राइट इट फुल फॉर्म, या इसका बैकग्राउंड देना, CNN कहाँ से आया, ANN का था, क्या चीज थी। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मुझे क्या क्या चीजें नोट करनी है। और इसी तरह जब आप सुपरवाइजर के पास जाएंगे तो आप उसको अगर वर्बल बताएंगे तो उसको हो सकता है देर से समझ में आए, लिखा हुआ आप देंगे तो उसे जल्दी समझ में आ, ठीक है। अच्छा, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू प्रपोज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, व्हाट इट इज, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट साइंटिफिकली, ठीक, ये क्यों इम्पोर्टेंट है साइंटिफिकली, एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट बट, ठीक है, लेकिन क्यों साइंटिफिकली मैं ये रिसर्च करने जा रहा हूँ क्यों, अब तो ये कि एप्लीकेशन है कि मैंने AI लगा दिया बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन मैं क्यों करूँगा, इसका फायदा है, कोई प्रॉब्लम होगा जिसका ये सलूशन हाँ ठीक है साइंटिफिकली आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये पता नहीं किसे FIPs के आजकल बच्चे आ रहे, तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई न्यू कर देते हैं ये वाली क्या EEG और EMG को हम मिक्स कर देते हैं। मैंने कहा इसका क्या क्या जरूरत है, नहीं सर ऐसी डिवाइस आज तक नहीं बनी, ठीक है, ये इनोवेशन हो जाएगी, पंचमेल बन जाएगी ना। तो वो खैर उसमें मैंने उनसे कहा कि भाई एक बात बताओ, गाड़ी की छत पे कभी किसी को बैठे हुए देखा है सीट लगा के, वो भी आज तक नहीं हुआ, तुम लगा दो। तो खैर वो करना, हमें कोई साइंटिफिक रीजन देना है कि व्हाई यू आर वी आर डूइंग दिस, ठीक है। आप तो कह सकते हैं मैं यू कर दू वो कर दू, मैं तो बोलता हूँ कि ट्यूबलाइट कोई घुमाना शुरू कर देते, पंखे की क्या जरूरत है, ठीक है, इनोवेशन हो गई ना, लेकिन इट्स नॉट फिजिबल साइंटिफिकली, देयर इज नो नीड, ठीक है, साइंटिफिकली साइंटिफिक नीड नहीं है, लेकिन एक बंदे ने वो कहकर नीड तो है ना, उसे रोशनी भी मिलेगी हवा भी मिल जाएगी, दोनों काम एक ही चीज से हो जाएंगे, डबल पैसे भी खर्च करें, लेकिन उसको बताया कि जब पंखा खराब होगा तो उतर के चले जाएगा तो अंधेरे में बैठे रहोगे,
और अगर ट्यूबलाइट खराब हो गई तो तो देयर शुड बी सम साइंटिफिक रीजनिंग. अच्छा जो भी आप जितनी भी बात करें इट शुड बी साइंटिफिक. साइंटिफिक से मतलब क्या फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए. आपसे पूछा भाई कितनी देर में क्लास खत्म होगी, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी. ठीक है तो आपके पास रीजन होना चाहिए कि 10 मिनट में खत्म होगी, 15 मिनट में खत्म होगी. शुड बी प्रसिजन पॉलिश सेट होना चाहिए बट शुड बी लॉजिकल आंसर. ठीक है लॉजिकल आंसर थोड़ी देर पता चला मेरी थोड़ी देर जो है ना वो सुबह के 4 बजे आप लोगों की थोड़ी देर जो 2 मिनट है तो इट शुड बी रियल यानी कि साइंटिफिकली होना चाहिए. ठीक है. अच्छा साथ में जो है ना आप जो भी प्रोजेक्ट लेके जाए अपने प्रोजेक्ट को 2 या 3 प्रोजेक्ट ले. और ऑब्जेक्टिव्स नहीं प्रोजेक्ट 2 or 3 प्रोजेक्ट्स. अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं आपने कहा भाई मैंने इस सुपरवाइजर को देना मैंने इस एरिया में रिसर्च करनी है और इन टॉपिक्स पे करनी है तो आप बोले ये 2 या 3 प्रोजेक्ट हो सकते हैं इस आइडिया पे, इस पे ये 3 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि आपका पहला आइडिया क्लिक कर जाए सुपरवाइजर को, हो सकता है आपका 3rd आइडिया क्लिक कर जाए और जब आपके साथ सुपरवाइजर की डिस्कशन हो तो आपको भी लगे कि पहला आइडिया तो वर्थ नहीं करता इतनी मेहनत करने का कि 2 साल थीसिस करो इसमें और वर्थ नहीं करेगा पब्लिश नहीं होगा. लेकिन जो 3rd आइडिया पे हो उसमें कोई सुपरवाइजर कोई एडवाइस कर दे आपको और वो आपको लगे यार ये चीज इसमें ऐड हो जाए ना तो ये तो क्लोज करना. ये तो प्रिलिमिनरी डिस्कशन चल रहा है जब सुपरवाइजर से डिस्कसिंग उसके बाद होगा आपका टाइटल डिफेंस जो हम यहाँ पे करेंगे. तो ये आप सुपरवाइजर के साथ सारी चीजें कर चुके फिर टाइटल डिफेंस में आएंगे क्योंकि यहाँ पे आप सुपरवाइजर के पास जा रहे हैं. यहाँ सुपरवाइजर के पास जा रहे हैं उसके बता रहे हैं कि ये मेजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, ये अराइज हो सकते हैं, ये साइंटिफिक रीजन है, इसका आउटकम ये होगा, इसमें ये चीजें होंगी, दूसरे प्रोजेक्ट की है, तीसरे की है. ठीक है. अच्छा और इसमें 11 नंबर भी कह रहे हैं कि आप जैसे मास्टर्स वाले तो वो तो टारगेट कर लेंगे भाई मैंने जो है इस साल के एंड में नवंबर में अपना थीसिस डिफेंस कर लेना. ठीक है. अगले लेट से आप लोग अगले सेमेस्टर में 2 कोर्स और हो जाएंगे ना तो 3, 3, 6, 7, 8 हो जाएंगे तो लेट से नेक्स्ट ईयर फरवरी में कर लेना टारगेट कर लेना और उसके हिसाब से बैकवर्ड अपना टाइमलाइन सेट करें. इससे फायदा क्या होता है अगर आपने कहा कि लेट्स से मैं जो ना टाइटल डिफेंस जो है ना जुलाई में करूंगा उसके 3 महीने बाद मैं ये काम करूंगा, 4 महीने बाद वो काम करूंगा तो पता चला आपकी जो ग्रेजुएशन डेट थी जो इनरोलमेंट थी वो खत्म हो गई आपके टाइमलाइन में तो आपको अपनी एंड डेट से 2-3 महीने सेफ टाइम बैक करके फिर सारी चीजें कैलकुलेट करनी है ताकि आप जब अगर थोड़ा बहुत लेट भी होता है तो आप विद इन सेफ लिमिट से. अच्छा ये मैं इधर आपको इसको बताता हूँ आप जब लिखें तो अपने दोस्तों से कोलीग से जरूर क्रिटिसाइज कराएं अपने जो भी आपने लिखा है ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो रेक्टिफाई हो सके बिफोर गोइंग टू सुपरवाइजर. ठीक है. दूसरा ये कि एक और मसला होता है रिसर्चर हमारे क्या करते कहते हैं कि फाइनल रिजल्ट आ जाए फिर हम पब्लिश करेंगे. ठीक है. फाइनल रिजल्ट आता नहीं है. फाइनल रिजल्ट इतना लेट आता है कि वो जो है ना उसके बाद पब्लिश पे जाते हैं 6-6 महीने पब्लिशिंग के लग जाते हैं फिर उसके बाद जो है ना वो कहते हैं कि अब तो हम वेट करते हैं कि जब रिव्यू आएंगे तो फिर हम करेंगे. तो आपके पास जो अर्ली रिजल्ट आते हैं स्टार्ट पब्लिशिंग की और बात. ठीक है. कॉन्फ्रेंस में भेज दें, वाई कैटेगरी जर्नल में भेज दें, कहीं ना कहीं भेजना शुरू कर दें. उससे क्या होगा कॉन्फ्रेंस में जाएंगे प्रेजेंट करेंगे पीयर डिस्कशन होगा रिव्यू होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा हाँ मेरा काम वर्क कर रहा है. और जब वहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल AI की कॉन्फ्रेंस में गए आप लेट्स से यूरोप चले गए आप वहाँ पे बाकी AI के रिसर्चर से मिलेंगे उनसे कुछ डिस्कशन हुआ उन्होंने कहा कि हाँ भाई हम भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं इसमें हमारे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं. जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में पेपर भेजा होगा तो 3 महीने पुराना होगा जो बाकी 3 महीने में काम किया वो आपको मिल सकता है उनसे डिस्कशन से आ सकता है. तो इसी तरह रिहैबिलिटेशन की रिसर्च कॉन्फ्रेंस में गए कर सकता है. दूसरा क्या आपको ऑफर हो जाए अभी जैसे आपके पास पुराने पेपर पड़े हुए उसको पब्लिश करना शुरू कर दे कोई प्रोजेक्ट किया था कभी उसको लिखना शुरू कर दे तो लो कैटेगरी जर्नल जो वाई एक्सेस है उसमें भी पब्लिश होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा पब्लिश हो सकता है हम लिख सकते हैं. ठीक है. थोड़ा बेहतर करके लिखेंगे एक्स में आ चल जाएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो वाई भी चल जाएगा
क्योंकि जब आप पढ़ेंगे नहीं और लिखेंगे नहीं तो ना आपके इस थिंकिंग डेवलप होगी, जब थिंकिंग डेवलप नहीं होगी तो आपके राइटिंग स्किल्स डेवलप नहीं हो सकते, क्योंकि जब पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा राइटिंग स्टाइल क्या है, ठीक है, राइटिंग स्टाइल क्या है, और टेक्निकल वर्ड्स वर्ड जो है टेक्निकली वर्ड जो इस डोमेन में यूज हो रहे हैं वो आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी, क्योंकि हर डोमेन के कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं दूसरे डोमेन से, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। और फिर जब ये सब कर रहे होंगे तो आपको थीसिस पब्लिश में भी आसानी होगी, क्योंकि आपको लिटरेचर भी अच्छा सा बना हुआ होगा, सारी चीजें होंगी, आपने बस उसको कंपाइल करना होगा, चीजें करनी होंगी। अच्छा, इसमें दूसरी ये होता है कि जब आप स्टार्ट करें तो आप जाहिर बात है लो क्वालिटी से स्टार्ट करेंगे, वंस यू आर गेटिंग इनटू इट तो ऐसा नहीं है कि हर महीने एक पेपर निकालना है, आपने फिर अपनी क्वालिटी पे काम करना है, ठीक है, क्वालिटी इंक्रीज करनी है। जैसा मैंने बताया शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल वर्ड्स बन रहे हैं, आप वाई कैटेगरी में आए, फिर आपने उसको इम्प्रूव करना है कि आप एक्स कैटेगरी में जाओ, ठीक है। पाकिस्तान में मसला ये आता है कि पाकिस्तान के जो कि करेंसी इतनी डाउन है जिसकी वजह से आप डब्ल्यू और एक्स कैटेगरी के जनरल को टारगेट करते हुए बड़ा मुश्किल होता है, अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है, और पीयर रिव्यू वाले जो जनरल होते हैं फिर उनको चाहिए होती है कोई ऐसी रिसर्च जो कि फंडेड हो ताकि वो भी अपने ओपन एक्सेस में ले जाएं उसे, ठीक है, ओपन एक्सेस। और हमने सब्सक्राइब जनरल डिस्कस कर लिया था आई थिंक लास्ट क्लास में। आपसे इथिकल फॉर्म जमा कराते हैं उसमें यही कंसेंट करना होता है आपने कि ये जो मैं सबमिट कर रहा हूँ या कर रही हूँ जर्नल में ये मैंने कहीं और सबमिट नहीं कराया। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेंसर के ऊपर पेपर लिखा, ठीक है, सेंसर के जो बड़े जर्नल है वो सेंसर एंड एक्चुएटर है, IEEE सेंसर जर्नल है, सेंसर्स है MDPI का मेरे ख्याल से, या ठीक है, तो ये सेंसर्स के नाम से तीन चार जो बड़े हैं जो मुझे पता है, तो आपने एक काम किया, ये पब्लिशर अलग है, ये पब्लिशर अलग है और ये भी पब्लिशर अलग है, क्योंकि सेंसर एक्चुएटर वो Elsevier का साइंस डायरेक्ट या IEEE है वो MDPI, तो आपने कहा तीनों में एक साथ भेज देते हो, भेज दिया आपने, पता चला तीनों ने जो रिव्यूअर उठाया इत्तेफाक से वो एक ही है, वो एक ही रिव्यूअर को उठा के तीनों ने उधर भेज दिया कि भाई ये रिव्यू कर दो मैं, और उसके पास गया उसने रिपोर्ट कर दिया भाई ये तो इसने तीन जगह पब्लिश करा है आप, और वो आपने जब सबमिट करते हुए कहा आई एम नॉट सेंडिंग इट एनीवेयर एल्स तो आपको तो ब्लैकलिस्ट कर देंगे तीनों। ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा सेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम ऑथर है तो, अगर सेम ऑथर है और सेम रिसर्च की कंसिस्टेंसी से आगे पास आउट हो रहा है तो 20% से ज्यादा नहीं होगा, तो इसीलिए आप पहला अर्ली रिजल्ट्स पब्लिश करा दें, जब तक और एक्सपेरिमेंट करेंगे तब तक पहला पब्लिश हो जाएगा, फिर दूसरा पब्लिश करा दें, फिर तीसरा करा दें। आपने कितने टारगेट किए जनरल, ये प्लेजरिज्म पे इसलिए नहीं डाल सकते कि कभी कुछ लोग इसको प्लेजर में भी ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, क्योंकि देखिए आप जो जर्नल कहता है ना वो कहता है कि अगर सेम ऑथर है और उसी की सेम रिसर्च का ही कंसिस्टेंसी है, यानी ये पहले रिजल्ट है दूसरे रिजल्ट है, 20% आप सेम रख सकते हैं, कुछ जर्नल कहते हैं नहीं 15% रखे, इसको डिपेंड करता है जर्नल की आपने टर्म्स एंड कंडीशन देखे हो जाते हैं। जब आप इस पे आएंगे तो हमको ये करा देंगे, आप परेशान नहीं हो, चेंज हो जाते हैं जो आपके रिजल्ट्स होते हैं नॉर्मली ये ग्राफ की फॉर्म में या टेबलर फॉर्म में होते हैं, इस पे इतना ज्यादा प्लेजम आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि नंबर्स होते हैं, जो प्लेजम आता है वो आपके स्टेटमेंट्स पे आता है। अगर आप अभी हम करेंगे इसमें कि रीफ्रेस कैसे करना है, ठीक है, हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म, वो उसमें रिफ्रेजिंग में हम देखेंगे सारी चीजें, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं आज के लेक्चर के जो आप शेयर हो चुके स्लाइड तो आप देख सकते हैं।
और अगली स्लाइड जो है वो नमाज के बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग।